नमस्ते भक्तों, आपको हार्दिक प्रणाम। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। प्राचीन काल की कथा है लंकेश रावण की और उनकी माँ कैकेया की। रावण और उनकी माता की भगवान शंकर पर गहरी श्रद्धा थी। माता कैकेया हर रोज भोलेनाथ की सेवा और पूजा करती थी, उसके पश्चात ही भोजन पाती थी। एक दिन माता कैकेया को शंभुनाथ की पूजा के लिए जाना संभव नहीं हुआ, तो उन्होंने माटी से शिवलिंग बनाया और वहीं पर महादेव की आराधना करने लगी। इस दरम्यान रावण वहां पर आए और उन्होंने माटी से बना शिवलिंग की पूजा करते हुए अपनी माँ को देखा। उन्हें बहुत बुरा लगा। रावण अपनी माँ से कहते हैं, माता, आप माटी से बने शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, आपको साक्षात शंकर का आत्मलिंग ही लाकर देता हूँ, तब उसकी पूजा कर लेना। इस माटी से बने शिवलिंग की पूजा करने से क्या लाभ। माता कैकेया ने रावण को शिवलिंग की पूजा अर्चा करने का पुण्य फल बताया कि जो इस शिवलिंग की हृदय पूर्वक पूजा करता है उसे महान फल प्राप्त होता है। नियमित रूप से 3 साल तक पूजा करने से जीव का शिव हो जाता है, घर में संपत्ति, शांति तथा उत्साह का आगमन होता है। अपनी माँ से देवादिदेव महादेव की आराधना का महान पुण्य फल प्राप्ति सुनकर रावण सीधे शंकर भगवान का आत्मलिंग लाने के लिए हिमालय पर गए। अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। महादेव ने उसकी अहंकार को क्षण में पहचान लिया और अपने चरण के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हिलने से रोका। इसका परिणाम ये हुआ कि रावण आधा उस पर्वत के नीचे गाड़ दिया गया। अपने आप को उस पर्वत के नीचे से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा और प्रभु महेश को विनती करने लगा, शिव स्तुति करने लगा। शिव से क्षमा याचना करने पर शिव को रावण की दया आई और उन्होंने तत्काल अपने चरण उठा लिए, जिससे कि कैलाश पर्वत का भार हल्का होने से गड़े हुए रावण की मुक्तता हुई। रावण की स्तुति पाठ से भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को कैलाश पर आने का कारण पूछा। रावण ने संपूर्ण बात विस्तार से प्रभु को बताई। शिव शंकर ने आत्मलिंग रावण को देने के लिए अपनी सहमति दर्शाई और उसे अवगत किया कि लंका में जाने तक इस आत्मलिंग को जमीन पर नहीं रखना, अगर रख दिया तो वो आत्मलिंग वहां से हिलेगा नहीं, वो वहीं पर स्थिर हो जाएगा। वहीं पर उपस्थित श्री गणपति ये जानते थे कि रावण दुष्ट स्वभाव से शिवलिंग को हासिल करना चाहता है, अपने आप को और शक्तिशाली बनाकर निष्पाप जनता को कष्ट देगा, देवताओं को परेशान करेगा, निर्बलों को अपने अहंकार से कुचल देगा, वो अपने दुष्ट मन से किसी की परवाह नहीं करेगा। ये जानकर गणपति बप्पा ने चरवाह का रूप धारण कर लिया और रावण के आने से पहले उसके मार्ग में खेलने लगा। रावण आनंद से आत्मलिंग को लेकर उस मार्ग से आने लगा। बाप्पा ने अपने लीला आरंभ की। रावण को लघु शंका आने के कारण वो किसी की तलाश में था, क्योंकि आत्मलिंग को नीचे नहीं रख सकते थे, ये सबसे बड़ा प्रश्न उसको था। सूर्यास्त भी होने वाला था, भोलेनाथ की आराधना भी करनी थी, उसके पहले संध्या स्नान भी करना था, ये सब प्रश्न उसके मन में आने लगे। इतने में उसकी नजर चरवा का रूप लिए बाल गणेश पर पड़ी। चरवा को देखकर रावण हर्षित हुआ, उसके निकट जाकर उससे विनती की, ये भगवान शंकर का आत्मलिंग है, इसे नीचे नहीं रख सकता, मैं संध्या स्नान कर आता हूँ, तब तक तू इसे पकड़कर रखना, अगर गलती से भी इसे नीचे रखा तो ये यही स्थिर हो जाएगा। चरवा ने पहले ना कहा, किंतु रावण की विनती पर वो मान गया। रावण ने आत्मलिंग पार्वती नंदन के हाथ में दिया। आत्मलिंग हाथ में पकड़ते ही बाप्पा ने कहा, ये तो बहुत भारी है, मैं बालक हूँ, इतनी भारी वस्तु ज्यादा समय तक मैं पकड़ नहीं सकता, जब मुझे ज्यादा भारीपन लगेगा तो आपको 3 बार आवाज दूंगा, आप नहीं आए तो मैं ये आत्मलिंग धरती पर रख दूंगा, अगर आपको मंजूर है तो ही मैं ये कार्य करूंगा, फिर मुझे कोई दोष ना देना। रावण को भी जल्दी थी, सूर्यास्त से पूर्व अपने कार्य उसको निपटाने थे, हाँ कहकर वहां से चले आए। अब रावण एकाग्र चित्त से संध्या स्नान में लीन हुए। चरवाह श्री गणेश ने उन्हें प्रथम आवाज दी, परंतु एकाग्र चित्त होने से रावण को आवाज सुनाई नहीं दी। फिर दूसरी आवाज लगाई, अब चरवाह के हाथ दुखने लगे, इसलिए रावण को तीसरी आखिरी आवाज लगाई, परंतु फिर भी रावण नहीं आया, ये देखकर आत्मलिंग को धरती पर रख दिया। इतने में रावण दौड़ते हुए वहां पर आया। चरवाह ने आत्मलिंग को धरती पर रखते देख रावण तड़प उठा, वो अत्यंत दुखी हुआ, अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस धरती पर रखे शिवलिंग को उठाने लगा,
परंतु सब व्यर्थ। उठाना तो दूर की बात, परंतु वो किंचित मात्र भी आत्मलिंग को हिला नहीं पाया। यहाँ पर दो कथा आती है कि गणपति ने आत्मलिंग गौ माता के कान में रख दिया था और गौ माँ धरती में अदृश्य हुई। धरती में जाते जाते रावण ने आत्मलिंग पकड़ने की कोशिश की, परंतु केवल गौ माता के कान उसके हाथ में रह गए। और दूसरी कथा है, बापा ने नीचे रखा हुआ आत्मलिंग रावण ने उठाना चाहा, इतनी शक्ति लगा दी कि शिवलिंग का आकार ही बदल गया। वो अब गौ माता के कान जैसे प्रतीत होने लगा, इसलिए इस आत्मलिंग को गोकर्ण महाबलेश्वर भी कहते हैं। ये स्थान दक्षिण दिशा में होने के कारण इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। ये स्थान कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में समंदर किनारे स्थापित है। यही पर सुंदर गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर देखने मिलता है, जो साक्षात महादेव ही है। गोकर्ण महाबलेश्वर में श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु आते हैं, अभिषेक करते हैं, अपने पाप मुक्ति की कामना करते हैं। यहाँ पर आकर हर भक्त को प्रत्यक्ष शिव के दर्शन का लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि को तो यहाँ पर भक्तों का मेला लगता है। इस तरह से आत्मलिंग बीच राह पर ही रख देने से भक्तों को साक्षात देवाधिदेव महादेव के दर्शन मिलते हैं। अगर ये आत्मलिंग रावण लेके जाता और लंका में स्थापित करता तो वो उसे अपनी निजी वस्तु समझकर किसी को भी दर्शन लेने नहीं देता। परंतु आज श्री गणपति बाप्पा की लीला ने हम भक्तों को ये सौभाग्य प्राप्त करा दिया। बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया, और देवाधिदेव महादेव की कृपा हम भक्तों पर भरपूर बरसती है। षष्ठम या छठा अध्याय संपूर्णम, सातवां अध्याय आगे देखेंगे। श्री गुरुवे नमः, नमो दत्त दिगंबर। धन्यवाद।